पिछले 6-7 दिनों से डायमंड की माइनिंग कर रहा हूँ मैं, अब जाके पूरा आर्मर बन पाया है और मेरा सुंदर सा डर्ट का घर मेरा इंतजार कर रहा है, आराम से सो पाऊंगा। एक मिनट, लेकिन यहाँ पे 2 ब्लॉक गायब है, लगते 2-3 एंडरमैन चोर आए होंगे लेके चले गए होंगे। कोई बात नहीं, यहाँ पे बहुत डर्ट पड़े। और ये काला पत्थर क्या है, नेदरराइट इंगट? माइनक्राफ्ट बट एवरी ड्रॉप इज रैंडम, इसका ये मतलब होता है अगर मैं कोई भी ब्लॉक तोड़ता हूँ तो मुझे कुछ भी मिल सकता है, कुछ भी मतलब बेड रॉक तक, आप लोग बिलीव भी नहीं कर सकते हो। ये चैलेंज जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि जिसका लक अच्छा है उसके लिए चैलेंज बहुत ईजी हो सकता है, लेकिन जिसका लक खराब है उसके लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, क्योंकि मैं खेल रहा हूँ हार्ड कोर में, ये चैलेंज और भी डिफिकल्ट बनाने के लिए आपके लिए सर। तो मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप लोग एक छोटा सा फेवर कर सकते हो, लाइक का बटन दबा दो और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। लाइक है मैं ओनली वन, मतलब मुझे सिर्फ आपका लाइक चाहिए और आपका सब्सक्राइब चाहिए, और YouTube चाहता है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करो। आप ये ग्राफ देख सकते हो, एक ही बंदा बचा है, तो जल्दी से क्लिक हो जाना चाहिए। और ये वीडियो इंस्पायर है SB737 से, तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप उनका भी वीडियो देख सकते हो। अब वीडियो को एंजॉय करो। ओ अभी अभी सुहाना सा दिन है, और एक लीव तोड़ के देखते हैं, बीट रूट सीड, वो भी 64। क्या क्या करूँ मैं इसका, खैर यार मतलब हर जगह वही मिल रहा है। अब ये मैं लॉक तोड़ूंगा इसी ट्री के, तो मुझे मिल जाते हैं कुछ मशरूम के ब्लॉक। और ये वाले लीव तोड़ के देखता हूँ प्रेशर प्लेट, क्या क्या करूँ मैं प्रेशर प्लेट का यार, मतलब वैसे ग्रास पड़ा हुआ है, ग्रास तोड़ के देखते हैं। तो ग्रास से ऑरेंज कारपेट, खैर अब ग्रास से क्या ही मिलेगा, डर्ट से नेदरराइट मिल रहा है, मतलब मैं जितने भी डर्ट तोड़ूंगा उतने नेदरराइट हो जाएंगे। ये वाला स्कीम पसंद आया मुझे, खैर नेदरराइट का कोई काम नहीं है अभी, आपको पता है क्यों। वैसे प्रेशर प्लेट तोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, ये कौन सी चीज़ है, ये क्रिम्सन रूट्स, गोल्ड मिल रहा है इससे, मतलब क्या ये 25 दिन में पैसा डबल हो रहा है ये तो। खैर इतनी अमीरी नहीं दिखाना चाहिए मुझे, कुछ और चीज़ को तोड़ के देखते हैं। यहाँ पे कारपेट मिले थे मुझे ऑरेंज कलर के, तो इसको तोड़ के डायमंड, मतलब सही में डायमंड मिल गए, वो भी 64, एक कारपेट से 64 डायमंड, मतलब मैं पूरा घर बना सकता हूँ। पर घर का क्या करूँगा मैं, गोल्ड इतना था मेरे पास में। वैसे इससे क्या मिल रहा है, मछली मिल रही है, वो भी पकी हुई, क्या बात है, अभी तक एक ही काम का सामान मिला है मुझे, ये पकी हुई मछली। खैर यार और कुछ तोड़ के देखते हैं, और इससे क्या मिलेगा, डार्क प्रिज्मेरियन स्लैब से, यार इसको मैं तोड़े जा रहा हूँ और कुछ भी नहीं मिला। अच्छा इसके लिए पिकैक्स चाहिए, और पिकैक्स मैं नहीं बना सकता। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से येलो फ्लावर है, और उसमें से एनविल मिल रहा है, बताओ यार क्या ही चीज़ है। खैर मैं ऐसे पार्कोर करके आगे तो बढ़ रहा हूँ, बट अभी तक मुझे स्टिक भी नहीं मिला है, वुड भी नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, पर डॉग मिल गया, मतलब जो चीज़ एकदम रेयर है, एकदम रेयर तो नहीं है डॉग, पर ये मछली खाता है लगता है, वेजिटेरियन है। खैर डॉग रेयर तो नहीं है पर मिल गया मुझे। खैर ये बड़े बड़े फ्लावर्स है, और इससे हॉपर मिल रहा है, जिस चीज़ से उम्मीद है यार उसे कुछ मिलता नहीं है। और एक छोटे से रेड कलर के फ्लावर है, उससे मिल गया मुझे ये छोटी छोटी चीज़ें, बेड, सही में बेड सबसे ज़्यादा काम की चीज़। खैर मुझे डर्ट से क्या मिलेगा, मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, उससे लीव्स मिले, और ये कॉन्क्रीट पाउडर है शायद, इससे क्या मिलेगा, लॉग, वाह सही चीज़ है ये। और सैंड से सोल सैंड, लगता है ये नाम में राइमिंग होता है ना, तो फालतू चीज़ें मैं पहले फेंक देता हूँ। और फालतू के नाम पे मेरे पास में हॉपर पड़ा हुआ था बहुत सारे, मतलब 2-3 स्टैक, तो उसको मैं फेंक देता हूँ। कुछ प्लैंक्स बना देता हूँ, प्लैंक से फिर क्राफ्टिंग टेबल बनाएंगे और आगे की प्रक्रिया चालू करेंगे। ज़्यादा हिंदी हो गई वैसे। मैं देखो आपको एक चीज़ बताता हूँ, किसी ने किया नहीं होगा अभी तक ये, पर मैं डायमंड के टूल्स बना रहा हूँ आयरन के टूल से पहले, और यहाँ तक कि मैं वुड के टूल से पहले भी डायमंड के टूल्स बना रहा हूँ, जो बहुत अजीब सी बात है। और क्राफ्टिंग टेबल जॉम्बी हेड, ठीक वैसे जॉम्बियों का राजा बन गया मैं, अब जॉम्बी लोग मुझे नहीं मारेंगे। जो भी बात मैंने बोला उसको सीरियस बिल्कुल भी मत लेना। वैसे मैं अपने लिए फुल सेट बना लेता हूँ डायमंड आर्मर के, मैं नेदरराइट की बना सकता हूँ, बट मेरे पास में स्मिथिंग टेबल नहीं है। स्मिथिंग टेबल बनाने के लिए जो चाहिए आपको पता होगा, वो चीज़ मेरे पास में नहीं है। वैसे मैं ये हेड को चेंज कर लेता हूँ और पूरे के पूरे ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी बहुत पैसा हो चुका है मेरे पास में, डायमंड के भी इतने सारे ब्लॉक है, सबसे अमीर बन चुके अपन लोग, टेंशन मत लो। और सो जाता हूँ मैं, और उठने से पहले बात कर लेते हैं आज के स्पॉन्सर की, जो कि है 1xBet। इंडिया और इंग्लैंड का मैच चालू है आप लोगों को जैसे पता होगा, साथ ही में बहुत सारे क्रिकेट के मैचेस भी चालू है, यहाँ तक कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग फुटबॉल के मैच भी चालू है अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। इसमें आप जो भी विनिंग जीतते हो आपके पास में जरूर मिलेगा, एकदम हॉनेस्टी चलती है यहाँ पे कोई भी फ्रॉड काम बिल्कुल भी नहीं होता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कि स्पोर्ट्स में बैट होते हैं और मैचेस के रिजल्ट मिलते हैं आपको, और आप ऑनलाइन गेम खेल सकते हो और बहुत सारे कैश मनी जीत सकते हो, एकदम बिग अमाउंट। और आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपके लिए $100 फर्स्ट डिपॉजिट में फ्री है बिल्कुल। आप अपनी विनिंग्स पेटीएम और कोई भी बैंक अकाउंट में जरूर विड्रॉल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। 1xBet के प्रोमो कोड का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जरूर मिलेगा, आपको चेकआउट जरूर करना। खैर पहला दिन तो कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे फ्लावर्स मिला मुझे बैट तोड़ने के बाद, मजाक चालू है क्या, उससे बोन ब्लॉक भी मिल रहा है। खैर यार मेरे पास में सैपलिंग पड़े हुए थे तो मैं उसका यूज़ करता हूँ, और ये day 2 है और मेरे पास में लगभग सारी चीज़ें आ चुकी है। और यार मतलब शुगर केन तोड़ रहा हो तो ये मिल रहा है, और ये मिल रहा है तो यार कोबल स्टोन मिल रहा है, बताओ कोबल स्टोन तो मिला। खैर वैसे यार यहाँ पे बहुत सारे कैल्प है,
तो कैल्प से ये ब्लॉक कौन से ब्लॉक है? ये शायद शेल्कर बॉक्स है, 69 IQ टाइम। यहाँ पे मैं शेल्कर बॉक्स रखूँगा। इसके अंदर समझ लो ऐसे मैंने कोई ब्लॉक रखा, समझ लो समझने में क्या जाता है, और इसको मैं तोड़ दूंगा। मेरे हिसाब से कुछ नहीं मिलने वाला है मुझे, लगा था, क्योंकि यहाँ पे रैंडम ब्लॉक है, शेल्कर बॉक्स कोई काम का नहीं है। और ये आयरन का ट्रैपडोर यार, मतलब कुछ भी दे देते हैं ये लोग, और इसे TNT मिल रहा है, ये थोड़े बहुत काम की चीज़ है। और यहाँ पे स्टोन मिला है और मैं स्टोन पहली बार तोड़ रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोन मिलने नहीं वाला मुझे। इसलिए कैंप फायर मिल रहा है और यहाँ पे ग्रेनेड है, हार्ट ऑफ द सी मिल रहा है। यार हार्ट ऑफ द सी का मेरा कोई काम नहीं है, वैसे बहुत रेयर चीज़ है ये, पर अभी मैं क्या करूँ उसका। हार्ट ऑफ द सी का अचार डालू क्या? वैसे बटन से मुझे क्राइंग ऑब्सीडियन मिल रहे हैं, इसका क्या काम है रिस्पॉन एंकर के अलावा? ज़रूर बताना उसको, आगे से मैं अपनी तरफ से हार्ट दूंगा अपने हाथों से। वैसे ये फालतू फालतू चीज़ मिल रही है, उससे अच्छा मैं निकल लेता हूँ। और बोट से अपने निकलता हूँ तो यहाँ पे फाइट चालू है, बहुत सारे स्क्विड में अत्याचार हो रहा है, बट मैं मसीहा नहीं हूँ, मैं निकल लेता हूँ साइड से। मॉन्यूमेंट तो वहाँ पर मुझे लूटना नहीं है मॉन्यूमेंट को, मैं मर जाऊँगा उससे पहले हार्डकोर में हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक मिलते हैं मुझे शिपरैक में, शिपरैक से ले लेता हूँ मैं बहुत सारे ब्लॉक और आ जाता हूँ इस वाले एरिया में। बहुत बड़े बड़े माउंटेन थे यहाँ पे, और एक कंकाल मिलता है। कंकाल ने यार कुछ भी ड्रॉप नहीं किया, हड्डी के अलावा और थोड़े बहुत एरो के अलावा, जो मुझे मिल जाएंगे शायद, रेयर नहीं है ना, थोड़े बहुत मिल जाते हैं। वैसे मैं ऊपर आता हूँ और ऊपर मजाक मजाक में विलेज मिल गया मुझे, और ये टाइगर विलेज है, स्नो विलेज है, मुझे पता नहीं, समझ भी नहीं आ रहा है। खैर जो भी है, बहुत ज़्यादा रेयर विलेज है क्योंकि ये इतने ऊपर माउंटेन में है। वैसे मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था यहाँ पर और मुझे रॉकेट मिल जाता है एक्सपेरिमेंट करते करते, जो बहुत अच्छी बात है, मेरा एक्सपेरिमेंट फ्लॉप तो नहीं हुआ। वैसे यहाँ पे कुछ स्मोकर मिल जाते हैं बैम्बू तोड़ने पे, जो अच्छी बात है, 64 थे पूरे स्टैक में, और कोल का ओर मिल जाता है मुझे, और यहाँ पे नेदरराइट के स्क्रैप थे भाई मेरे पास में, नेदरराइट के ब्लॉक है। और डायमंड तोड़ने पे ये क्या मिल गया अच्छी? खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे एक सुअर था जो मौत का इंतजार कर रहा था इतने ऊपर, ठंडी से मर जाता उससे अच्छा मैंने मार दिया। और ये एरिया बादलों के भी ऊपर है, मतलब कुछ कुछ एरिया यहाँ का, नीचे और घर थे विलेजर्स के, तो मैं खुद जाता हूँ। और खोदने के लिए आधा लाइक तो बनता है, आधा लाइक खोदने के लिए, आधा लाइक वीडियो के लिए, एक हो गया पूरा, फालतू चीज़ था। वैसे बैरिस से मुझे मिल रहे थे एंडपल, जो अच्छी बात है, और ये बॉल मिल रहे थे मुझे, जो मैं आराम से बना सकता हूँ। देखो लेफ्ट वाली चीज़ मुझे पता है, राइट वाली चीज़ क्या है, ये चीज़ होती भी है माइनक्राफ्ट में, अभी मालूम चला है मुझे। कह रहे विलेजर घूमने गया था तो इसका मैं पूरा घर कब्जा कर लेता हूँ, और इसको मैं अपनी तरफ से बहुत सारे सामान दे देता हूँ। स्मोकर थे मेरे पास में बहुत सारे, तो मैं अपने पूरे जो चिकन है उसको कुक कर लेता हूँ, क्योंकि खाने की कमी होती रहती है इसमें। और मुझे कंकाल मार के थोड़े बहुत बोन मिले थे, तो मैं डॉगी को टेम कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक नहीं दो थे, मैं एक देख के आया था बट यहाँ पे दो तो निकले, तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं, क्या बात है यार, अभी ये हमारे साथ ही चलने वाले हैं। वैसे इनको लेके चलता हूँ मैं अपने घर पे, और एक ग्राइंडस्टोन मिलता है मुझे, इससे मौसी ब्लॉक मिल जाते हैं ये, अब इसका क्या बनने वाला है, फालतू चीज़। और ये सिल्वर फिश आ जाती है, और पीछे से क्रीपर भी आ जाता है, खैर भागना पड़ेगा मुझे क्रीपर को मारने के लिए। और ये क्रीपर कहाँ से आ गया, डॉग मरते मरते बचे हैं मेरे। वैसे यार ये सिल्वर फिश तो बहुत ही अजीब थी, और क्रीपर उससे भी ज़्यादा। एक और आता है पर मेरा डॉग उसको आराम से मार देता है, डॉग की 1v1 फाइट होती है उससे। और ये मुझे कारपेट मिल जाते हैं, शायद ये प्रेशर प्लेट था, कारपेट नहीं था, और प्रेशर बेडरॉक, गाइस मुझे बेडरॉक मिला है अभी, आप देख सकते हो। और ये नकली बेडरॉक है कि नहीं टेस्ट करके देखूंगा इसको मैं, शायद नकली लग रहा है मुझे, पर नकली कैसे हो सकता है, इसको डायमंड पिकेक से तोड़ूंगा मैं। और सही में नहीं टूट रहा है ये, पिछले 2 मिनट से तोड़ रहा हूँ मैं पर नहीं टूटा। और यहाँ पे मैं स्ट्रिप्ट करके देखता हूँ, देखो मेरा दिमाग IQ लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे स्ट्रिप्ट करके करूँगा तो मुझे अलग चीज़ मिलेगी, वुड अलग होता है ना, और स्ट्रिप्ट वाला अलग होता है। और देखो मैं फालतू फालतू एक्सपेरिमेंट कर रहा था, बट कसम से मैं कुछ भी कुछ तोड़ रहा था और मुझे कुछ भी नहीं मिला। एंडिंग में जाके मुझे मिलता है बीफ, जिसको मैं खा ही सकता हूँ बस, कोई और काम का नहीं है, मुझे लगा कुछ अच्छी चीज़ मिलेगी। वैसे यार देखो बीफ तो मिला है मुझे, और यहाँ पे मिल जाते हैं मुझे वेंस तोड़ने पे कुछ ओर्स, जो मेरे और काम के नहीं है। खैर मुझे डॉगीज़ को छोड़ना पड़ा यहीं पर, देखो क्यों, मैं नहीं चाहता ये लोग मर जाए, क्योंकि मुझे नेदर में भी जाना है, नेदर में लोग आराम से मर जाएंगे, तो इनके लिए मैं बेडरॉक छोड़ के जाता हूँ एक, और बहुत सारे खाने की चीज़ें। खैर इनका क्या होगा मुझे नहीं मालूम, अगर मैं बच गया तो वापस ज़रूर आऊँगा, पता नहीं कब आऊँगा पर आऊँगा ज़रूर, बेडरॉक छोड़ के जाता हूँ क्योंकि इन्होंने कभी देखे नहीं होंगे। भागते भागते मैं डेजर्ट तक पहुँच जाता हूँ, सवाना को क्रॉस करके। सवाना में मुझे कुछ खास नहीं मिलते हैं, और वहाँ पे मॉब सारे बहुत थे। वैसे मैं भाग जाता हूँ यहाँ से, और बैरल को तोड़ता हूँ मैं, क्योंकि बैरल अभी मिल जाता है मुझे कैक्टस तोड़ने पे। फिर मैं डार्क ओक को तोड़ता हूँ और टोटम मिल जाता है भाई, मतलब अब तो मेरे पास में अनलिमिटेड टोटम हो जाएंगे, टोटम की कमी नहीं होने वाली मेरे पास में। तो मैं बहुत सारे स्ट्रिप्ड वुड को लगा देता हूँ और तोड़ देता हूँ पूरे के पूरे। अब टोटम तो मुझे मिल चुका है, मुझे तलाश है एक चीज़ की, इलाइट्रा बोलते हैं जिसको, रॉकेट है ना मेरे पास में, इसलिए लालच आ रहा है। खैर एक हाथ में मैं रख लेता हूँ, और एक विच दिख जाती है, तो इसको तो इतना बुरा मारूंगा मैं। हार्डकोर में विच स्पॉन होते रहती है, नॉर्मल बात है, आपको पता होगा, आप लोग हार्डकोर प्लेयर हो तो, नहीं हो तो भी पता होगा आपको, मैं बता रहा हूँ। खैर इस मार नहीं पाए मुझे तो मैं खुद ही मर जाता हूँ, और पोस्ट मॉर्टल मेरा अचीवमेंट कंप्लीट हो जाता है। ये बहुत लास्ट में कंप्लीट होता है, बट मेरा शुरू में कंप्लीट हो गया। और एक बड़ी सी चीज़ दिखती है मुझे, और एक क्या चीज़ है मुझे बताओ यार, ये इतना बड़ा माउंटेन कैसे हो सकता है? बादल तो उसके आधे में है, मतलब यार
आपको सीट चाहिए तो बोल देना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सीट दे दूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। खैर यार वो आप बाद में देख लेना। और यहाँ पे बहुत सारे मुझे मिलते हैं वुल, वुल को तोड़ता हूँ टेराकोटा मिलते हैं, टेराकोटा को तोड़ता हूँ तो मुझे फालतू चीज़ें मिलती है यार। कभी कभी ये बहुत फालतू चीज़ होता है। मुझे चाहिए था आयरन, आपको पता है आयरन नहीं मिला मुझे अभी तक के, तो ये पिलेजर्स को मार देता हूँ मैं जल्दी से और आयरन गोलम को आज़ाद कर देता हूँ ताकि ये मारेगा। जल्दी मार यार आयरन गोलम, आयरन गोलम अपना भाई है। गोलम भाई ये नहीं समझ पा रहा था कि उनको पिलेजर मार रहे थे कि उसको मैं मार रहा था। बुरा लगा मुझे उसके लिए क्योंकि मैंने उसके हाथ में धोखा किया, पर उसको आज़ाद भी मैंने ही किया हूँ। खैर पूरे आयरन इंगट लेके मैं निकलता हूँ यहाँ से क्योंकि ये लोग बहुत बुरा मारेंगे मुझे। पहले मुझे ऊपर भागना चाहिए और बकेट बनाना चाहिए, मुझे बकेट चाहिए मेन, एक ही काम है मुझे आयरन का, मुझे मिला नहीं अभी तक के। और मैं खुद जाता हूँ इनके पास पूरे फालतू सामान रख के, तो ये लोग जब अपना चेस्ट खोलेंगे तो ये लोग घबरा जाएंगे ये सब चीज़ें देख के। वैसे मैं पूरे ऑब्सिडियन उठा लेता हूँ रुइन पोर्टल से और निकल लेता हूँ यहाँ से। लावा का एक पॉन्ड था यहाँ पर तो मुझे बस एक वाटर बकेट चाहिए था, मैं पूरा का पूरा पोर्टल बना सकता हूँ एक वाटर बकेट से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे बन जाता जल्दी से पूरे के पूरे, मैं लावा ऐसे पुट कर देता हूँ बहुत ईजी, आप लोग भी बनाना सीख जाओ, ईजी होता है बहुत ये। तो पूरे के पूरे लावा मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, एक फ्लिंट एंड स्टील बना देता हूँ और बन जाता है अपना पोर्टल। पोर्टल से जाएंगे अब नरक में, मतलब नरक में यार ईजी है वैसे, कुछ बात नहीं है ऐसा, बट ये स्पॉन देख के भाई मैं घबरा गया यार। ये कैसा स्पॉन है, क्या होता है ये, क्यों ये वैली क्यों बनी है? वैसे घास कहाँ से मार रही थी मुझे समझा नहीं, बट मैंने ऐसे धक्का दे दिया उसके फायर चार्ज बॉल को। और यहाँ पे बहुत सारे मशरूम पड़े थे तो मशरूम मैं तोड़ के देखता हूँ और मिल जाता है मुझे गोल्डन एप्पल। भाई मजाक चालू है क्या, यहाँ पे इतने मशरूम है मतलब मेरे पास में कितने गोल्डन एप्पल हो जाएंगे? तो मैं जल्दी से ले लेता हूँ पूरे के पूरे गोल्डन एप्पल और खाने के सारे फालतू सामान में फेंक देता हूँ। मुझे मिल जाता है नेदर फोर्ट्रेस फालतू की मेहनत के बाद, पर खैर मिला तो सही। अभी इतनी अमीरी है मेरी कि गोल्ड लगा के घूम रहा हूँ मैं, थोड़े बहुत ये गरीबों को मारता हूँ मैं। और मुझे एक बार अपना टोटम यूज़ करना था क्योंकि मैं एक बार टोटम यूज़ करूँगा तो मुझे फायर रेजिस्टेंस मिल जाएगा और मैं जितने चाहूँ उतने ब्लेज रॉड को मार सकता हूँ, मतलब ब्लेजर्स को मार के ब्लेज रॉड मिलेगा मुझे। तो मैं इनको फटाफट से मारता हूँ और मुझे मिल जाते 7 ब्लेज रॉड। मतलब यार टाइम नहीं लगता ये सब काम में, जल्दी जल्दी हो जाते हैं, बस नेदर फोर्ट्रेस ढूंढना मुश्किल पड़ गया मुझे। 14 आई ऑफ एंडर मिलते हैं और मैं देखो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मैंने बहुत सारे नेदर में ब्लॉक खोद दिया और पता नहीं कहाँ से मुझे मिल जाता है इलाइट्रा। सच में बता रहा हूँ मैंने अभी देखा और इलाइट्रा मिल गया मुझे। मेरे पास में रॉकेट था तो सीधा उड़ के मैं निकल लेता हूँ अपने पोर्टल में, और पोर्टल सच बताऊँ मुझे नहीं मिला तो मुझे एक नया पोर्टल बनाना पड़ा रुइन पोर्टल ढूंढ के। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे आई ऑफ एंडर फेंकता हूँ मैं, और यहाँ पे स्नो का कोई बायोम था मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और निकल लेते हैं अपनी एरिया में वापस। स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए मैं एक और आई ऑफ एंडर फेंकता हूँ बट वो आगे की तरफ और पॉइंट कर रहा है तो और आगे चले जाएंगे। और अभी अभी मेरा जो आई ऑफ एंडर है यहाँ पे खो गया है, खैर नीचे डिक करना पड़ रहा है मुझे और ये पूरा कचरा एक साथ लेके घूम रहा हूँ मैं। खैर मिल जाता है मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड, आई स्पाई का अचीवमेंट तो आप लोग को पता है, और मैं कुछ भी तोड़ रहा था यार कुछ भी मिले जा रहा है, आर्मर स्टैंड कैसे मिल सकता है? खैर कोई बात नहीं, अब इस स्पॉनर को तोड़ देता हूँ मैं और इससे भी कुछ मिल रहा है मुझे, अलग ही मॉड है ये। एक आई ऑफ एंडर पहले से लगा हुआ था तो मैं और लगा देता हूँ, 11 के 11 बचे हुए। वैसे मेरे पास में एक एक्स्ट्रा बच चुका था। कुछ जाते जल्दी से फालतू का कचरा सामान फेंक के, और अभी एंडर ड्रैगन की बारी है। मैंने बहुत सारे ब्लॉक नहीं तोड़ा वैसे मुझे पता है, बट जितने हो सकते हैं मैंने एक्सपेरिमेंट किया और जो भी अच्छी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया, वो से मैं जल्दी से तोड़ता हुआ एंड क्रिस्टल्स पूरे के पूरे। अभी मैं एम बहुत अच्छा हो चुका है मेरा, एकदम एक्सट्रीम लेवल का प्रो बन गया हूँ मैं, मजाक कर रहा था और सीखना बचा है। खैर पूरे के पूरे मैं एंड क्रिस्टल तोड़ देता हूँ और अभी बारी है एंडर ड्रैगन की। एंडर ड्रैगन को मैं आराम से मारूंगा एकदम अच्छे से आर्मर बना के, क्योंकि वो वाले आर्मर आधे टूट चुके थे और कोई काम के भी नहीं थे। और अभी मैं उसको उड़ उड़ के नहीं मारने वाला हूँ क्योंकि मेरे बो एंड एरो पूरे के पूरे ख़राब हो गए थे। अपने शॉट से मैं एकदम क्रिटिकल डैमेज करता हूँ उसको और उसका सिर्फ 10% हार्ट जाता है। वैसे एक बार मैं बेड फोड़ता हूँ तो यार इतना डैमेज पहुँच रहा है उसको, मतलब यार सही चीज़ है बेड, आप लोग भी बेड यूज़ करो। वैसे आगे से यार बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा था मुझे तो मैं पीछे आ जाता हूँ और ये एंडर ड्रैगन इस तरफ घूम जाती है, मतलब यार खतरनाक आईक्यू है इसका। वैसे मुझसे ज़्यादा तो वो एंडरमैन पागल हो गए थे एंडर ड्रैगन के ऊपर। अब थोड़े बहुत हिट बचे एंडर ड्रैगन को तो मैं जल्दी जल्दी मारता हूँ उसको, क्योंकि अभी मेरे पास में पूरे जितने भी बैट थे वो टूट चुके हैं और मेरे पास में यार चेस्ट आ चुके हैं इतने सारे। भाई कुछ भी मिल रहा है मुझे, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब एंडर ड्रैगन थोड़ी सी बच चुकी थी और इसको मैं 2 हिट मारता हूँ और एक लास्ट हिट और एंडर ड्रैगन ख़त्म। वैसे एंडर ड्रैगन हमारे आंखों के सामने फिर से ख़त्म हो चुकी है, मतलब क्या जो भी है। वैसे यार देखो ईजी नहीं था ये, बहुत मुश्किल पड़ा, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। वीडियो आपको पसंद आया ना तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, बिल्कुल भी मत जाने यहाँ तक वीडियो देखे हो तो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।